ambassador thing has a history of 50 years. The Mira do ambassador's experience, it's you know, about 30 years now. So I moved first time back to Pakistan. It was in 1991. And that's the time I got to know ambassador. पहले इनकी दुकान होती थी तारक और मैं अभी तो मुझे याद है मैं लैटिन अमेरिका से मूव करके आया था पाकिस्तान और मुझे लिनन के सूट्स मंगाए थे तो कराची में कोई जगह नहीं थी जहाँ पे आपको लिनन के सूट्स अच्छे लिनन के सूट्स तो पहली बार मैंने अपना एक लिनन का सूट अम्बेसडर से 1992 या 1993 में बहुत ही खूबसूरत दुकान लगता है कि आप किसी मिलान में किसी बुटीक में आए तो घर वाले फेस सिक्स करण बुखारी है वहाँ पे जो सरफराज ने रखी हुई तो बड़े खूबसूरत फ्रेस्कोस हैं दुकान बड़ी एस्थेटिकली डिज़ाइन की हुई है और जो बेसिकली फैब्रिक कलेक्शन है वो बहुत ज़बरदस्त है उसमें यूरोपिया का सेमिया थॉमस मेसन जितने भी टॉप इटालियन ब्रांड्स हैं इटालियन ब्रूडरीज सारे ऑल द टॉप इटालियन ब्रांड्स हैं देयर उसके साथ व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट ये तो कोई भी दुनिया में रख सकता है पैसे खर्च करके फैब्रिक रख सकता है इनके पास जो स्किल उन्होंने डेवलप की है ओवर टाइम दैट इज अमेजिंग सूट की कट लेवल की फॉल है और जिस तरह से ट्राउजर्स में और सूट्स में और इवन शर्ट्स में और पैंट्स में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अटेंशन भी देते हैं दैट इज एब्सोल्युटली वर्थ क्लास मेरी रिकमेंडेशंस जो है बहुत सारे मैंने ओवर द टाइम ओवर 30 इयर्स मेरे दोस्त और मेरे फैमिली के मेरे नेफ्यूज कजन्स मेरे वो दोस्त जो बाहर से आते हैं वो सारे दुनिया में रहते हैं कनाडा में रहते हैं उन सबको मैंने इनके पास दे आर ऑल एक्सट्रीमली Sarfaraz is an extremely hardworking person. I've seen him as a little boy. Though mashallah he has grown up and he has learned. And the final points, stitching, cutting, he is absolutely consistent with them. We are coming to Thomas Mason. Thomas Mason, the popular name. उससे बेहतर पॉपुलर दुनिया का कोई नहीं थॉमस मेसन इज फेमस फॉर दैट मेरे जो सूट्स हैं मेरे पास लोरपियाने के सूट्स भी हैं मेरे पास विटाले बेबुलिस के सूट्स भी हैं मेरे पास जेनिया तो मैं मतलब जब से मैंने सूट पहने शुरू किया मैं जेनिया पहनना और यहाँ पे फायदा ये है कि जेनिया का मैं यहाँ फैब्रिक चूज करके और अपने यू नो कट के ऊपर अपने साइज के ऊपर अपनी मर्जी से मैं बता रहा हूँ देखिए लिनन जो है ना लिनन बनाना है एक आर्ट होता है लिनन बनाना हर एक बस की चीज मैं बहुत लिनन पहनता मैंने तो अर्ली 80s से लिनन पहन चुका पाकिस्तान में व्हेन आई मूव बैक इन 1992 फर्स्ट टाइम आई मूव बैक आई मूव डाउन अगेन तो लिनन की यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं थी तो यो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट मास्टर ने शुरू किए जब बॉक्स में आया उसके बाद हमें साथ लेके मैंने लिनन सूट्स में आए थे एंड इट बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर तो लिनन की जो 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 इनिशिएशन है पाकिस्तान में आके इज ऑब्वियसली इज अ मास्टर मास्टर को इन बोथ दी इसमें दो चीजें एक फैब्रिक की चॉइस कलेक्शन जो इनका अपने फैब्रिक दूसरी जो स्किल इनके पास है वो ओवर टाइम है उसी की एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है सरफराज भी और शहजाद भी दोनों भाई दे बीन टू इटली मल्टीपल ऑफ टाइम्स दे हैव स्पेंट टाइम इन द फैक्ट्रीज दे हैव लर्न देयर द फाइनर पॉइंट्स हैव कटिंग के और स्टिचिंग के उसी के